सहनो सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा शांति शांति वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के के प्रथम मंडल सोलवे सूक्त का, और में हमने पिछली कक्षा में शक्ति सषुता के लिए वेद मंत्र का स्वाध्याय किया था इमे सोमासा इंदवा सुतासो अधिबरिषि आज हम इसी सूक्त के जो है अंतिम में जो प्रार्थना की गई है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं कर्मेंद्रियाँ हैं चित्तवृत्तियाँ हैं प्रभु स्तवन करने वाली हो यह स्तवन हमें भी शतक्रतु बनाने वाला हो ऐसी शतक्रतु बनने की अवधारणा के साथ यह सोलवा जो सूक्त है उसका समापन किया है और इसके बाद पुनः जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वैसे सत्रवें सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसमें भी बहुत सुंदर बात कही है कि जितेंद्रियता और व्रत बंधन बिना व्रत के हमारा जीवन चल नहीं सकता है व्रत अर्थात जो संकल्प है संकल्प शून्य व्यक्ति कभी भी शिखर को प्राप्त नहीं होता है संकल्प शून्य व्यक्ति कभी भी शिखर को प्राप्त नहीं होता है संकल्प से ही सारा जीवन चलता है जिसके जैसे संकल्प होंगे जिसके जैसे व्रत होंगे व्यक्ति वैसे वैसे कार्यों में संलग्न होता है वैसे वैसे वह कार्य करता है वैसे वैसे कर्म को प्राप्त होता है और कर्म के बाद फिर वैसे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है क्योंकि यन मनसा मनुते तद वाचा वदती यद वाचा वदती तद कर्मणा करोती यद कर्मणा करोती तद अभिसंपद्यते व्यक्ति वैसा ही स्वभाव वाला बन जाता वैसे ही संस्कार वाला बन जाता है जैसा वो मन से वाणी से और शरीर से कर्म करता है तो हम अपने जीवन को कितना सुंदर बनाएं इतना सुंदर बनाएं जिससे हम बहुत ही देदीप्यमान जीवन वाले बने स्वप्रकाश से स्वकर्म से स्व जान से अपने जीवन को भी मर्यादित संयमित बनाएं, अपने जीवन को भी प्रकाशित करें और इस संसार को इस समाज को भी ऐसे ही बनाएं, यही जीवन की सार्थकता होगी तो बहुत ही सुंदर मंत्र है इसको मैं लिखता हूँ पहले फिर आगे आपसे इसी विषय में चर्चा करूँगा ओम

सम्राज रव आवरणे सम्राजो रव താനോ മൃഗാ ഈദൃശേ തോ उच्चारण करेंगे। ओम इंद्रा वरुणायोरहं ओम इंद्रा वरुणायोरहं सम्राजोरव आवृणे तानो मृडाद ईदृशे ओम इंद्रा वरुणायोरहं सम्राजोरव आवृणे तानो ईदृशे तानो मृडात ईदृशे जितेंद्रियता की बात है और व्रत पालन हम सच्चे व्रती बने जितेंद्रिय बने जितेंद्रियता से ही इस जीवन का कल्याण होने वाला है तो अहम मैं सम्राजो हो उत्तम दीप्ति वाले इंद्रा वरुणयो हो इंद्र और वरुण इंद्र जो स्नेहन मित्रता का भाव और वरुण जो द्वेष जो हमारे अंदर शत्रुता का भाव है उसको नाश करने वाली शक्ति तो अब अवरक्षण अवरक्षण धातु है औरक्षण कांति, दीप्ति अनेक अर्थों में इसका प्रयोग होता है तो आवृणय सर्वथा वर्ण करता हूँ रक्षण का मैं सदा सर्वथा उसका वर्ण करता हूँ और मुझे इंद्र और वरुण का रक्षण प्राप्त हो इंद्र जितेंद्रियता का प्रतीक है मैत्री का प्रतीक है मित्र जैसे मित्र और वरुण इंद्र और वरुण मित्रा वरुणा अनेक मंत्रों में मित्रा वरुणा आता है और इंद्र वरुणा भी आता है तो मित्र जो इंद्र है तो ऐश्वर्य का द्योतक है और मित्र जो है वो मैत्री का द्योतक है वरुण जो हमारे अंदर के और बाहर के शत्रुओं का संहारक है सब आसुरी वृत्तियों का नाश करने वाला है तो जो इंद्र है वो जितेंद्रियता का पोषक है जितेंद्रियता का प्रतीक है या असुरों का संहार करने वाला है तथा आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त कर जितेंद्रीय होने पर वासनाओं के शिकार नहीं होने देता है पासों से जकड़ने वाला है जब हम अपने को ही व्रतों के बंधन में बांधते हैं तब हम वरुण बन जाते हैं वरुण की नाव नौका एक जो है बहुत ही सुंदर लेख पुस्तक है उसको भी पढ़ना चाहिए कभी इंद्र और वरुण के मित्र और वरुण के विषय में पढ़ने के आ, साथ यदि हम उसको समझने का प्रयास करें तो वरुण जो व्रत बंधन वे हमको बांध करके रखता है और संसार के जो नियम हैं सारी सृष्टि बंधन में है सारे जो भी नियम काम करते हैं सब उस ईश्वर के ही बंधन में काम करते हैं उसके ही नियम में काम करते हैं इसलिए व्रत बंधन ही हमें श्रेष्ठ वरुण बनाता है वरुणों नाम वरह श्रेष्ठ इस व्रत बंधन से ही हम प्रचेता हा। प्रचेता हा मतलब प्रकृष्ट जान वाले बनते हैं चिति संजाने प्रकर्षेण तो हम अपत्ति अपाम रेत सोम सोमकणों के रक्षण वाले होते हैं हम इंद्र वरुण के रक्षण का वर्ण करते हैं अर्थात जितेंद्रिय व्रतों के बंधन वाले बन करके आत्मरक्षण करने वाले होते हैं ये इंद्र और वरुण सम्राट हैं हमारे जीवनों को जो है सुव्यवस्थित करने वाले हैं व्यवस्था जहाँ पर उस परमात्मा का शासन है वहाँ सर्वथा व्यवस्था ही नजर आती है कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं होती है परंतु हमारी अल्पज्ञता के कारण हमारी ज्ञानहीनता के कारण अविवेक के कारण हम इस सृष्टि में इस समष्टि में अव्यवस्था फैला देते हैं जिससे हमारा जीवन भी प्रभावित होता है और हमारा परिवार भी प्रभावित होता है हमारा समाज भी प्रभावित होता है फिर कभी कभी हम तो अच्छे सच्चे होते हैं दूसरों के द्वारा ऐसी अव्यवस्था कर दी जाती है जिससे हमारा भी जीवन कष्टदायी हो जाता है तो सबके लिए यह वेद का उपदेश है कि सब अपने कर्तव्यों का कार्य अपने कर्तव्य कर्मों को करने वाले बने इससे एक पल के लिए भी अपने को रहित ना करें अपने विचार से अपने व्यवहार से अपने शुभ संस्कारों से इस समाज का इस राष्ट्र का सदा सर्वदा उत्थान करते चलें और यही जितेंद्रियता और बंधन का सबसे बड़ा उपकार होगा तो हम जो है इंद्रवरुण के रक्षण व वर्ण करते हैं उनका हम जितेंद्रिय व्रतों के बंधन वाले बनकर के आत्मरक्षण करने वाले बने ये इंद्र और वरुण सम्राट हैं हमारे जीवनों को व्यवस्थित दीप्तित करते हैं प्रकाशित करते हैं ईदृशे ऐसा होने पर अर्थात जब हम इनके रक्षण का वर्ण करते हैं तब ताह वे दोनों न हमारे मृढ़ाता सुखी मृड सुखने धातु है तो उससे क्या है हम सुखी होते हैं, हमको वो सुखी करते हैं मृाता सुख प्राप्ति का मार्ग ही यह है कि हम इंद्रियों के दास ना हों हम सदा व्रतों के बंधन में रहें व्रतों के पालन करने वाले बने संकल्प को पूरा करने वाले बने संकल्प में कभी भी विकल्प नहीं होना चाहिए जो संकल्प ले लिया तो कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम या तो कार्य की सिद्धि करो और या तो फिर अपने जीवन को उसी के लिए आहूत कर दो फिर नहीं होगा तो फिर करेंगे आगे तो ऐसी जब हम भावना के साथ व्रत पते व्रतम चरिश्यामी ये हम संकल्प लेते हैं ना उस व्रत पति के जो व्रतों को पूरा करने वाला होता है तो हम उसको साक्षी मान करके व्रत का पालन करते हैं कि वह जो है हर प्रकार से हमारी सहायता करता है हमारी रक्षा करता है हमको सदगति की ओर ले जाता है तो ऐसे सुख प्राप्ति का वह मार्ग कौन दिखाता है वह परमात्मा दिखाता है और कब दिखाता है जब हम इंद्रियों के दास नहीं होते हैं इंद्रियों के स्वामी हो जाते हैं परमात्मा भी उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य रखता है अतः एक एक विश्वास के साथ एक एक व्यवहार को हम सदा सर्वदा इस प्रकार से जिए कि ये मेरे बंधन का कारण नहीं है ये मेरे सृजन का कारण है जैसा यहाँ कहा है ना कि हम व्रत बंधन में रहें हम विद्यार्थी हैं ब्रह्मचारी हैं तो एक बंधन हमारे लिए कि ये हमारी मर्यादा है जैसा व्यवहार गृहस्थियों का है जैसा व्यवहार लोक के लोगों का है वैसा हमारा व्यवहार कदाचित नहीं होना चाहिए एक भी पल के लिए हम उस ओर कभी विचार ही ना करें ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठतम हो सके और यदि इस ब्रह्मचर्य की मर्यादा का इस विद्यार्थी काल की मर्यादा का इस व्रत का छात्र व्रत का ब्रह्मचर्य व्रत का हमने कभी ह्रास किया हमने कभी उसको भुला दिया तो वो हमारे लिए अकल्याणकारी होगा वो हमारे लिए दुखदायी होगा इसलिए ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने जीवन को हम सदा जीते रहें यही हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला व्रत होगा इसलिए सुख चाहते हैं जीवन में सुख चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना और व्रतों से बंध करके रहना एक मर्यादा में हम जब बंध करके रहते हैं अनुशासन में रहते हैं तो यही बंधन ही सृजन का कारण हुआ करता है। यदि नौ माह मा के गर्भ में शिशु ना हो तो क्या उसका निर्माण हो सकता है नस नाड़ियों के बंधन में शिशु रहता है तो उसका निर्माण होता रहता है और कहीं भी यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई बंधन से वो कहीं अलग हो गया तो उसका जीवन भी और जो माँ है उसका भी जीवन कभी खतरे में आ जाता है तो हम इसका ध्यान रखें कि कभी भी इस बंधन का अतिक्रमण ना करें गुरुकुली जो व्यवस्था है गुरुकुली की जो परंपरा है जो जो है वर्ण आश्रम की परंपरा है उस परंपरा के सदा द्योतक बने उसके निर्वहन करने वाले बने इससे भिन्न कभी कोई आचरण ना करें इसलिए ये बात कही है इंद्र और वरुण की कृपा के पात्र हम बन करके विप्र मावान व विशेष प्रकार से सब प्रकार की जो न्यूनताएं हैं जो अपूर्णताएं हैं उन अपूर्णताओं से हम ऊपर उठ करके जीवन का निर्माण कर सकें ऐसी यदि हमारी मेधा ऐसी यदि हमारी बुद्धि ऐसा विवेक यदि हमारा काम करता है तो कभी भी हम पतित नहीं होते हैं क्योंकि जो इस एक बात कहते हैं कि लक्ष्य के साथ संकल्प के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम सुंदर जीवन बना पाते हैं लक्ष्य नहीं होगा तो एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाते आपने यहां से लक्ष्य बनाया कि हमको अब जो है अपने कक्ष में जाना है अब पाकशाला में जाना है तो आप बढ़ पाते हैं आपने लक्ष्य बनाया कि कक्षा में जाना तो कक्षा में आ गए आपने लक्ष्य बनाया कि दिल्ली जाना तो दिल्ली चले गए ऐसा यदि हम लक्ष्य किसी भी प्रकार का बनाते हैं तो वहाँ तक पहुँचते हैं तो लक्ष्य हमारा कैसा हो बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए क्योंकि साधन तो मिल गया है साध की प्राप्ति के लिए हमको साधना पड़ेगा अपने जीवन को अपने जीवन के हर पल हर समय उसकी जो उत्तमता है उस क्वालिटी को हमको बरकरार रखना पड़ेगा सात्विकता के साथ शुचिता के साथ पवित्रता के साथ और एक जो ऋषि व्रत ले लिया है जो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है जो विद्यार्थी व्रत ले लिया है जो सेवा व्रत ले लिया है उस सेवा व्रत से कभी भी हम विचलित ना हों यही है इसलिए हम उस परमात्मा की कृपा दृष्टि अपने ऊपर पा करके सकल सृष्टि में उसका गुणगान करें क्योंकि उसने इतनी अच्छी दृष्टि हमको दी है यदि दृष्टि न देता जान विज्ञान हमको न देता तो कैसे हम जीवन को जी पाते हम जीवन को जी नहीं पाते इतना सामर्थ हमारे अंदर नहीं है कि हम अपने सिर पर बैठी हुई मक्खी को भी उड़ा सकें यदि उसका सामर्थ हमारे साथ न हो तो अतः उस सामर्थ्य से हम उसके बंधन में रह करके बंधन क्या है बंधन माँ के गर्भ में जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बच्चा रहता है तो उसका निर्माण ठीक से होता है गुरुकुल में आकर के गुरु के गर्भ में रह करके विद्या के गर्भ में रह करके हम अपना निर्माण करते हैं तो उस सृष्टि का जो रचयिता है उसने जैसा उपदेश किया है उस उपदेश का पालन करते हुए उसकी मर्यादा का पालन करते हुए उसके बंधन में रहेंगे तो कभी भी पतन नहीं होगा नहीं तो पतन निश्चित रूप से हो जाएगा भवन बन रहे हैं गबन हो रहा है ये उत्थान है या पतन हो रहा है वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव कु शिक्षा का पाठन पठन हो रहा है ये उत्थान है या पतन हो रहा है तो पतन से बचने का एक ही उपाय है कि हम इस बंधन को स्वीकार करें बंधन के साथ हम अपने परिष्कार करें बंधन में ही सृजन है बंधन से हट गए मर्यादा से बोले कि इसकी आँखों का पानी मर गया ऐसा बोलते हैं लोग में और इसको तो लाज नहीं है इसको तो शर्म नहीं है ये क्या है ये एक बंधन है और उस बंधन को तोड़ना मतलब उस मर्यादा को तोड़ना अपने जीवन को हम पतन क्यों ले जाते हैं तो उस मर्यादा को सामाजिक मर्यादा सामाजिक बंधन जो है जो आ, हमारे सात्विकता का बंधन है उसको कभी भी हम तोड़े नहीं और उस परमात्मा से जिसने सारा संसार बनाया है सारा जगत बनाया है इस शरीर को दिया है आत्मा को जो है व्यवस्थित किया है उसके प्रति सदा सुंदर व्यवहार रखें और परम पिता से व्यवहार करके ही हम घर को परिवार को संसार को अच्छा बना पाएंगे अगर ऐसा नहीं किया तो ना हमारा जीवन अच्छा बनेगा ना समाज का ना परिवार का और दुख इसलिए होता है आज दुख क्यों संसार में क्योंकि इस मर्यादा को हम भूल गए हैं इस बंधन को भूल गए हैं कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता है सब बंधन को तोड़ना चाहते हैं हम बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं इसलिए आज परिवार भी दुखी संसार भी दुखी है परम पिता से प्यार नहीं शुद्ध रहा व्यवहार नहीं इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है लेकिन है अचरज यही बदले में कुछ नहीं लेता है करता है इनकार नहीं भेदभाव टकरार नहीं ऐसे दानी का वो बंदे करता जरा सत्कार नहीं इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं कीमत कोई पाप सकाना ऐसे अमूल बनाए हैं कोई चीज बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं ऐसे कारीगर का वो बंदे माने तू उपकार नहीं इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं किराया है सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है लगा कहीं दरबार नहीं कोई सिपाह सलार नहीं कर्मों का फल देव सभी को रिश्वत की सरकार नहीं इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं सूरज चांद सितारे का ना जाने बिजली घर बना हुआ पल भर को नहीं देते धोखा कहा कनेक्शन जुड़ा हुआ खंभा और कोई तार नहीं खड़ी कोई दीवार नहीं ऐसे शिल्पकार का करते नर देव विचार नहीं इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं परम पिता से प्यार नहीं शुद्ध रहा व्यवहार नहीं इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं तो परिवार में संसार में यदि हम सुख चाहते हैं तो मर्यादा का कभी भी अतिक्रमण ना करें बंधन का भी कभी अतिक्रमण ना करें व्रत पालन का कभी अतिक्रमण ना करें यदि दाम्पत्य जीवन हमारा है पति पत्नी का हमने व्रत लिया है माता पिता का व्रत लिया है एक परिवार को चलाने का व्रत लिया है एक गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है एक सन्यासी का व्रत लिया है विद्यार्थी का व्रत लिया है तो कभी भी अपने व्रत से हम नीचे ना गिरें, कभी भी पतित ना हो उद्यानम ते पुरुष नावयानम वेद कहता है कि मैं तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया हूं परमात्मा का यह आदेश है कि मैं तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया हूं मैं तो तुझे ऊपर उठने के लिए बनाया हूं इसलिए हर पल हर क्षण अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करें किसी भी प्रकार से अपने को गिराना नहीं अपने को अपनी मर्यादाओं का अपने को अपने कर्तव्यों का पालन सदा करते रहना है एक क्षण के लिए भी कर्तव्य से चित हो गए तो समझो हमारी मृत्यु हो गई मृत्यु नहीं होनी चाहिए इसलिए कहा संयम ही जीवन है असंयम मृत्यु अपने व्रत से अपने जितेंद्रिता से हमको कभी भी नीचे नहीं गिरना है इसलिए वेद कहता है इंद्रा वरुणा ओर अहम सम्राज्योरव आवृणे ईदृशे ऐसी जीवन को जो दीप्त करने वाला है जो जीवन को सुखी बनाने वाला है इसके लिए आवश्यक है कि हम जितेंद्री बने तथा जीवन को व्रतों के बंधन में बांध कर तभी हमारा जीवन सार्थक होगा लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं तो हम ऐसे बहाव में बह बहे नहीं ठहरें बहाव के विरुद्ध बहना ही पौरुष है तो पौरुष हम दिखाएं इस रण में अपने को बांध करके रखें जितेंद्रियता से और व्रत पालन से व्रत के बंधन से तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ शुभ विचारों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ ओ शांति 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 ही, शान्ति ही, शान्ति ही।